सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन, डायमीटर का एक कॉर्नर पॉइंट गिवन है, ये पूरे डायमीटर की लेंथ गिवन है आपको, ये और ये पॉइंट गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है 10√2। क्या करेंगे बोलो, इतना इजी क्वेश्चन है। रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस का डबल कर दो, दैट इज डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 10√2। ये दे नहीं रखा ना, अगर ये भी नहीं दे रखा, एक पॉइंट एक्स वाई ले लेते हो, एक तो पहले से ही अननोन है, ये भी अननोन है, करोगे क्या? इसका मतलब ये नहीं लेना आपने, और ये आपसे किसी ने पूछा भी नहीं है वैसे, आपसे ये पूछा कि इन दोनों में से जो अननोन है ए, ये फाइंड करो। रेडियस फाइंड कर लो ना, ये रेडियस आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला से, रेडियस का डबल कर दो, दैट इज डायमीटर, और डायमीटर किसके इक्वल है? 10√2 के। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस निकाल लो, इसकी लेंथ निकाल लो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड करो जल्दी करो। कर दो कर दो कर दो कर दो, 5√2 कर दो, आंसर निकालो क्या आ रहा है, कर लिया आंसर? डायमीटर का डबल करके, रेडियस का डबल करके डायमीटर आ रहा है, डायमीटर का हाफ भी कर सकते हो, बात एक ही है, 5√2 के साथ इक्वेट कर लो रेडियस को, तब भी आ जाएगा आंसर। हाँ जी, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस क्या होगा कृतिका? किसका? उसको, जब एक्स पे पूछे तो वाई का साइन चेंज, जब वाई के अबाउट एक्स का साइन चेंज।
क्या है इसका आंसर? द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग ए बी टू ओरिजिन। टू ओरिजिन मतलब ये एक तो लाइन ये बनेगी ए बी, और कहते हैं इन पॉइंट को जब ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हो तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, मतलब ओरिजिन के साथ कौन सा एंगल फॉर्म होगा? 90 डिग्री। ये लाइन बना दी ए बी ऐसे आ गई, ये लाइन है यहां कहां किस पॉइंट पे मीट करेगी, ये कौन सा पॉइंट है? 3, 0। इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये वाई कोऑर्डिनेट पे आएगा, नीचे बनेगा ऐसे बने 0, -2 ऐसे आएगा। कहता है ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन के साथ जहां मिल रहे हैं ये एंगल बताओ, ठीक है? और ये एंगल अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल हम फाइंड वैसे अभी कर नहीं सकते क्योंकि लेंथ, कर सकते हैं फाइंड एंगल कैसे? ये 3 है, ये -2 है, डिस्टेंस तो 2 ही हो गया ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा कॉस थीटा आ सकते हैं एंगल, ठीक है? वैसे कहा नहीं है, अगर कहा हो तो ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अभी स्पेशली कहा है विद द ओरिजिन, पॉइंट्स टू ओरिजिन मींस ये वाले पॉइंट्स ओरिजिन के साथ जो लाइंस बना रहे हैं उनके साथ एंगल निकालो, ये फाइंड करो डिस्टेंस बिटवीन। उस दिन किया था ऐसा क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा सा, उसमें डबल डबल टर्म थी, आंसर था उस a साइन थीटा 0, 0 -a cos थीटा। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। क्या आ रहा है कृतिका आंसर? सॉल्व नहीं किया, जीरो माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वेयर प्लस माइनस ए कॉस थीटा माइनस जीरो होल स्क्वेयर अंडर द रूट। जीरो तो हट जाएगा, माइनस का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अंडर द रूट, ए स्क्वेयर कॉमन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, क्या होता है ये? वन। क्या बच गया? रूट ए स्क्वेयर दैट इज ए। किया था उस दिन क्वेश्चन ऐसे ही सेम, दो दो की पेयरिंग करी थी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन लिया था, आंसर आया था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट।
वो रूट से बाहर नहीं आ सकता था, याद है क्यों? जो क्वेश्चन जिन किया था उसका आंसर ऐसे था, डिस्टेंस का। इसको रूट से बाहर निकाल दिया, इसको क्यों नहीं निकाला? ये होल स्क्वायर है ए का, और ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, ये बाहर नहीं आ सकते। अगर ये ऐसे होता ना तो ए प्लस बी बाहर आ जाता, अभी नहीं आ सकता। ठीक है, अभी आंसर ए आया है। ये करो, ध्यान से करना, इजी है। लॉन्ग मेथड की तरफ ना जाके शॉर्ट मेथड से करना। इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कहता है इस पॉइंट का जितना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो आंसर इज इक्वल टू हाफ है इसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। पहले एक्स से डिस्टेंस देखो कितना है, फिर वाई से देखो जितना एक्स का है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मैंने उस दिन भी बताया था, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज पता नहीं क्या करना है। 3.5 एक सपोज करो पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से? 5 यूनिट। ऐसे ही इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा? ए यूनिट। और इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? 4 यूनिट। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? ए इज का मतलब है इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई, कितना आ गया? अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगाएंगे वो तो एक पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। दो बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर इक्वल टू 1/2 करोगे, फिर स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मार्क कर लो ये क्वेश्चन, क्योंकि एकदम देखते ही नहीं स्ट्राइक करता। लेकिन आपने याद रखना है कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई वाले से एक्स होता है। हाँ, क्योंकि ये सारे राइट एंगल, ये जो हम लेंगे ये डिस्टेंस पॉइंट के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आप परपेंडिकुलर लाइन ही बनाते, कोई और शेप तो बनाते ही नहीं है। जी देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ट्राइंगल फॉर्म करना है, कहता है ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके जो ट्रायंगल बता रही बना रही है ना, उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ निकालो। पहले मुझे ये बताओ, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है, इसका क्या मीनिंग है? मतलब एक्स एक्सिस को भी मीट कर रही है, वाई को भी कर रही है, और जब ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब वाई 0 पुट करना है, और वाई एक्सिस को मीट कर रही है मतलब एक्स 0, तो एक बार एक्स 0 पुट करना है, एक बार वाई, सॉल्यूशन निकालने हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर जो सॉल्यूशन मिलेंगे 2 फाइंड करो या 3, ट्रायंगल फॉर्म करो, ये लाइन का ग्राफ बनाओ, फिर देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। बहुत इजी है। हाँ, एक एक निकाल लो, बहुत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक्स 0 वाई 0 पुट करना, और चाहे कुछ करो या ना करो। ठीक है, उससे एक्स एक्सिस का पॉइंट भी मिल जाएगा, वाई का पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, करो। एक्स को 0 पुट करो, क्या आएगा? वाई कितना आएगा? 3। और वाई को 0 पुट करके एक्स कितना आएगा? 4। तो एक्स 0 पुट करके वाई आया 4, सॉरी 3, और वाई को 0 पुट करके एक्स आया है 4। ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 0, नहीं यहाँ नहीं आएगा 0, 3, और यहाँ क्या आएगा? 4, 0। ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया। अब ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके ट्रायंगल बना रही है, शेड कर देना। इसके वर्टिसेस क्या होंगे ट्रायंगल के? 0, 3, 4, 0, 0, 0। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? ये कितनी आएगी?
फाइव बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? फाइव आ गई, उसका नेम ए बी जो भी हो दे देना, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ आ गई फाइव, क्लियर है। जब भी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आए एक्स जीरो वाई जीरो जरूर पुट कर लेना। एक क्वेश्चन करवाया था उस दिन, स्क्वायर के फोर वर्टिसेस दिए हुए थे, ए मिसिंग था, क्या किया था? डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, एसी का मिड पॉइंट निकाला था, सेट मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलो। मिष्टी बोलो आप, जो उठने में इतनी देर लगा रहे हैं, फॉर्मूला कब बोलेंगे अगले पीरियड में? ये मिड पॉइंट नहीं है जो आप बोल रहे हैं, आगे क्या है? अच्छा आगे बोलो, ये सेक्शन फॉर्मूला है बच्चे। मिड पॉइंट सबसे इजी फॉर्मूला, दो का मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। बोलो सहज, मैंने क्या बोला अभी? नहीं मैं क्यों बोलूं दोबारा, आप बोलो, आपकी टर्न है, मैं तो बोल चुकी हूँ। जब मैं बोल रही हूँ आप पीछे सुन, पता नहीं क्या सुन रहे हो, तो मैंने तो बताना ही था। बोलो इमानी फॉर्मूला, इनमें साइन कौन सा आएगा? ये दोनों के बीच में साइन आएगा, कोई कॉमा आएगा, ठीक है। बोलो अब y1 प्लस y2 बाय टू कौन सा फॉर्मूला? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने किया था स्क्वायर के अगर फोर वर्टिसेस दिए हुए हैं, AC का मिड पॉइंट निकालो, BD डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री को। आपकी बुक का सेम क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम के फोर वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये सारे दिए हुए हैं, इनमें से कोई किसी जगह पे एक ए है, ये फाइंड करना है, या एक्स वाई है, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो एसी का मिड पॉइंट निकालो, बीडी का मिड पॉइंट निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के इक्वल, मिसिंग वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टाइप ऑफ पैरेललोग्राम आ जाए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या पैरेललोग्राम, सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, किसी और मेथड से नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की मिस्टेक नहीं करनी। और एक और बात, लास्ट डे क्वेश्चन किया था कि एक पॉइंट है जिसका दो पॉइंट से, एक पॉइंट ए है एक्स वाई या थ्री फाइव कुछ भी ले लो, इसका दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये इनका मिड पॉइंट है, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये जरूर कहा है कि इसका डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, पी ए इज इक्वल टू ए क्यू, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट नहीं लगाना, सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि आप मिड पॉइंट तो नहीं लगा रहे, जब तक ये ना कहा जाए कि वो मिड पॉइंट है तब तक नहीं लगाना। जैसे सर्कल वाला क्वेश्चन किया, सर्कल वाले क्वेश्चन में सेंटर गिवन था, अब वो तो ऑब्वियस ही है कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिडल पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन इनमें नहीं लगा सकते ना, इसमें श्योरिटी नहीं है। हो सकता है आंसर आ जाए मिड पॉइंट से, और हो सकता है ना भी आए, तो दोनों ही, और हो सकता है आंसर आ गया तो हो सकता है ठीक भी ना हो, ये भी नहीं पता, तो इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना जब तक कहा ना जाए, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट पी थ्री कॉमा फोर, divides a line segment joining, Himanshu कौन सा formula use करेंगे? In what ratio does this point P divides a line segment joining AB? Ratio जब find करनी होती है कौन सा formula? Ratio के case में कौन सा formula use होता है? बोलो कौन सा लगाएंगे? दो formula या section formula? एक M1 M2 वाला होता है और K रेशो वन होता है, कौन सा लगाएंगे? रेशो फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? K रेशो वन, जब रेशो दी होती है तो M1 M2 वाला लगता है, फॉर्मूला बोलो, M1 M2 वाला आता है, बोलो
बोलो, बाकी ये क्वेश्चन करो, बोलो। सहर्ष आता है फॉर्मूला, राहुल फॉर्मूला बोलो, सेक्शन फॉर्मूला विद एम वन एम टू रेशियो, एम वन एक्स टू वन, बोलो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके साथ सेम वाई आ जाएगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब रेशियो गिवन हो, और जब रेशियो फाइंड करनी हो तो के लग जाएगा, इसी जगह पे के आ जाएगा, बस के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। लर्न कर लो, दोबारा पूछा नहीं आया तो फिर पिटाई होनी है इसके बाद। लर्न कर लो, सीधा एम वन एम टू हटा देना है, बस यहाँ के लग जाना है, यहाँ के प्लस वन। ऐसे ही नेक्स्ट में पहले एक्स टू आएगा, फिर एक्स वन, फिर वाई टू वाई वन, बाकी आपके सामने ही है। वन क्या बोला है? नहीं, रेशियो गलत आ रही है, दोबारा करो करो सॉल्व। रेशियो फाइंड करनी है, के रेशियो वन, ये फॉर्मूला लगेगा। आवाज नहीं, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बता सकते हो? सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम थ्री मीडियन बनते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज सेंट्रॉइड, ठीक है? और सेंट्रॉइड जो होता है दैट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो टू रेशियो वन, ठीक है? मीडियन जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ये बनाया, ये सेंट्रोइड है जहां तीनों मीडियंस मीट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको टू रेशो वन में डिवाइड करेगा मीडियन को, ये इसको टू रेशो वन में, ये इसको टू रेशो वन में डिवाइड करेगा, ठीक है? सेंट्रोइड पूछ सकते हैं क्या होता है, और ये रेशो भी पता होनी चाहिए, यूज भी कर सकते हो डायरेक्ट रेशो। लिखो एक क्वेश्चन, ये हो गया सबका क्वेश्चन जो दिया है, टू रेशो थ्री आ रहा है आंसर, हो गया? इधर लास्ट इमानी रेशो डन, चांद नैना डन, चलो लिखो नेक्स्ट। कहाँ किया क्वेश्चन दिखाओ, नहीं किया, यहाँ लिखो, रखो नोटबुक, पूरा करो पहले इस क्वेश्चन। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री फॉर्म, जैसे मिड पॉइंट का दो का होता है ना, इसमें तीन का होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय, ये इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। मिड पॉइंट में दो का मिड पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड जो है तीन का मिड पॉइंट होता है, वैसे मिड नहीं होता, रेशो होती है टू रेशो वन, ठीक है? लर्न करने के लिए वैसे बता रहे हैं, होता नहीं है मिड पॉइंट, ठीक है? लिखो जरा क्या हुआ, पूछो फिर, क्यों नहीं समझ आ रहा? ये जो पॉइंट है ये पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये तो ये दे रखा है, मैं करवा देती हूँ बोर्ड पे, देखो जो पिछले वाला क्वेश्चन है वो किस किस का नहीं हुआ, रेशो वाला नहीं हुआ, फिर बोलना नहीं है, कब बोलोगे? मेरे जाने के बाद। पॉइंट पी एक्स वाई जो होता है, ये जो पॉइंट है ये ए बी लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है? तो जो पॉइंट होता है वो इस रेशियो से आपको इस फॉर्मूले से मिलता है, ये आपको दे रखा है 3.4, ए बी दे रखा है आपको 1 2 6 7, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, यहाँ पुट कर दो, के सेम
एक्स टू मीन्स सेवन सॉरी सिक्स, एक्स वन मीन्स वन अपॉन के प्लस वन. जो लाइन सेगमेंट होती है ना ए बी, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये जो दिया होता है पॉइंट जो डिवाइड करता है वो एक्स वाई होता है. अब वाई टू की टर्न है सेवन वाई, सेवन के प्लस वाई टू टू अपॉन के प्लस वन. ठीक है, ये पॉइंट आ गया. अब यहां देखिए, x को x के साथ कंपेयर करोगे, y को y के साथ, किसी एक को कर लो, आंसर सेम आएगा. थ्री इज इक्वल टू सिक्स के प्लस वन बाय के प्लस वन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थ्री के प्लस थ्री, थ्री के इज इक्वल टू सिक्स के प्लस वन. इसको इधर ले आओ, थ्री के सिक्स के माइनस थ्री के, थ्री के आ गया, वन इधर जाके टू इज इक्वल टू थ्री के, टू रेशो थ्री आ गया. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, छोड़ दो. द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ, द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट सिक्स एट टू फोर. ये समझ आ गया, द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट है, फ्रॉम वन टू इज, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट इज डैश. The distance of the midpoint of the line segment joining this, मतलब इसका midpoint निकालना है. जो midpoint आएगा उसका इस point से जो distance है वो बताना है कितना. हाँ जी, हाँ जी, फिर से सुन लो statement. If the distance of the midpoint of the line segment joining this from the point one two is dash, ये find करना है कि जो इन दोनों का midpoint है उसका इस point से कितना distance है. पहले इन पे लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला. चांद बोलो मिड पॉइंट फॉर्मूला. हाँ हाँ हाँ, एक्स वन प्लस एक्स टू बोलो, दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा. गलत हो तो आंसर बता रहे हैं आप, मिड पॉइंट बोलो, आप तो भी पहले स्टेप पे हो. इन दोनों का मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू क्या आएगा. एक मिनट, कहां से आया फोर, सिक्स प्लस टू एट, एट बाई टू इज फोर, एट प्लस फोर इज ट्वेल्व, ट्वेल्व का हाफ सिक्स. इसका डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो फिर से. जो पहले बोला था वो क्या था, वो था क्या, अब जो पूछा है वो क्या है बोलो, फिर सेम है फिर बोलो. अब बोलो सहर्ष, डिस्टेंस फॉर्मूला. शर्म नहीं आती, बार बार ऐसी खड़े होते ऐसी बैठ जाते हो, कुछ बोल भी दिया करो. हैं क्या क्या, चार फॉर्मूले ये कंफ्यूज कर रहे हैं. इतना बड़ा तू है, इतने इतने फॉर्मूले नहीं लर्न कर सकता. बातें तो सब लर्न है तुझे, कोई डेट का पूछ लो सब पता होगा कहाँ थे क्या किया था उस दिन. चल बोल फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर द रूट. अब बोलो, सुना है नहीं सुना, बोलो सक्षम आप, फिर तो आपकी आवाज पता नहीं कहाँ चली जाती है. चल दोबारा सुना, प्लस भी बोल दे बीच में, वो गलत बोलेगा फिर. एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में अंडर द रूट. ठीक है, चलो अब इन दोनों पे लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2.
पहले जब मिड पॉइंट लगाया था ना, तो ये एक्स वन वाई वन था, ये एक्स टू वाई टू था. अब जो आंसर आए हैं उन पे लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला. अब एक्स वन वाई वन ये है, एक्स टू वाई टू ये है, इनका डिस्टेंस निकालना है. 1 - 4 होल स्क्वायर + 2 - 6 होल स्क्वायर, क्या आ रहा है आंसर? 5 units. चलो लिखो नेक्स्ट, सिट डाउन. द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 0 0 a 0 b 0 b. फाइंड द या द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दी 3 points. सर्कम सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दी 3 points. सर्कम सेंटर, एक होता है इन सर्कल, सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर पूछा है आपसे, जो सर्कम सर्कल होते हैं ना उनका सेंटर बताना है, सेंटर. वैसे ही है. हाँ, क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे सर्कम सेंटर? आपने सर्कम सर्कल सुना है, इन सर्कल भी सुना है. इन सर्कल अंदर होता है, सर्कम सर्कल बाहर होता है. ये सर्कम सेंटर है, ये क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है. जैसे जैसे सपोज करो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है डायमीटर के ऊपर जिसका तीनों कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है. मतलब ये निकालना है, समझ आई? सर्कम सेंटर जो है ये मिड पॉइंट है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है. राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, उसका ये जो मिड पॉइंट आएगा हाइपोटेन्यूज का, वो सर्कम सेंटर है जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है. मतलब इसका मिड पॉइंट निकालना, क्या आएगा? इजी है, देखो सामने ही पता चल. हाँ जी, ए बाय टू बी बाय टू. ये देखो ना, ये क्या है, ये क्या है, ए जीरो है, ये ए जीरो, ये है, ये जीरो बी है. एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब जीरो प्लस ए का हाफ मतलब ए बाय टू, बी प्लस जीरो का हाफ बी बाय टू. तो ये आ जाएगा ए बाय टू बी बाय टू, ठीक है. फॉर्मूला लिख लो इसका, बस फॉर्मूला लिख लो, कर ले आंसर लिख लो. वो यूज नहीं हो रहा ना, जीरो जीरो है. मतलब ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इससे, इससे या इससे निकालो सेम होगा, ठीक है. और आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में, वैसे सर्कम सेंटर का हो सकता है कोई और फॉर्मूला भी हो सिंपल ट्रायंगल के केस में, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ये थ्योरम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है. इसलिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही आपका सर्कम सेंटर बन रहा है. वैसे हो सकता है सर्कम सेंटर का कोई और फॉर्मूला भी हो, मैं चेक करके बता दूंगी अभी आप, अभी ब्रेक में चेक कर लेते हैं, ठीक है. वैसे ये पता चल गया, डायमीटर का जो मिड पॉइंट है वही सर्कम सेंटर है इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बस.